तो गाइज यार, आप सभी के मन में जो है कभी ना कभी ये ख्याल तो जरूर आया होगा कि हम लोग जिस पेन या फिर जिस पेंसिल से लिखते हैं, आखिर अगर इन्हें हम लोग सीधा मतलब लाइन से चलाएं तो ये लोग जो है कितने मीटर या फिर कितने किलोमीटर तक एक बार में चल सकती हैं। तो इस चीज़ को आपने जो है कभी करके नहीं देखा होता है, बस आपने सिर्फ सोचा होता है। बट आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इस चीज़ को फुल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, ये हमारी जो पेंसिल होती है ये कितने मीटर या फिर कितने किलोमीटर तक एक बार में चल सकती है। तो गाइस अब हमने जो है यहाँ पे इस पेपर शीट को चिपका दिया है, अब इस पेंसिल को खिंचाना शुरू करेंगे। तो चलो पहले तो हम लोग जो है इस पेंसिल को शार्प कर लेते हैं। यार यहाँ पर जो इस पेपर के अंदर लगभग खिंचाते खिंचाते हमारी जो पेंसिल है वो इतनी बड़ी अब सिर्फ बची है। यहाँ पे आप पेपर का हाल देख सकते हो, यहाँ से भी फट चुका है, यहाँ से भी फट चुका है, और यहाँ पे हाथों के अंदर भी देख सकते हो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रे ग्रे ऐसा पूरा इस मतलब जो पेंसिल का यहाँ पे चारकोल होता है वो लग चुका है। तो गाइस यार 1000 लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे है 1030 लाइन, यानी कि टोटल मिला के हो गई इसके अंदर 2030 लाइन। तो गाइस इसके अंदर हमने जो है 2030 लाइन खींचा डाली है। अब चलो हम लोग जो है पहले तो एक लाइन का यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो एक लाइन है वो है लगभग 65 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है, इसके अंदर टोटल लाइन खींची है 2030। तो पहले हम लोग जो है 2030 लिख लेते हैं, अब उसके बाद में हम लोग इंटू करके एक लाइन है हमारी 65 सेंटीमीटर की, तो हम लोग जो है 65 कर लेते हैं। टोटल यहाँ पे आ चुका है इतना 131,950। अब हम लोग जो है इसे मीटर में निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है डिवाइड बाय 100, अब जो है यहाँ पे कुछ इतना निकल के आया है। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी पेंसिल है वो चल चुकी है टोटल 1319 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर 319 मीटर। तो गाइस यार देखा यहाँ पे जो है इतनी सी पेंसिल अभी बची हुई है, और अगर हम लोग इसे पूरा चलाएं तो लगभग ये जो है चल सकती है पूरा 1500 मीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर तक हमारी जो है पेंसिल होती है अगर कोई इसे सीधा सीधा खींचे तो चल सकती है। तो हम आपसे मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।